रविवार को भगवान दत्तात्रेय की जयंती राजधानी रायपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थित एकमात्र भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष श्याम बैस ने मंदिर में ध्वजारोहण कर भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। 26 नवंबर को शुरू हुए जयंती महोत्सव में 3 दिसंबर को महाआरती के साथ साथ भव्य आतिशबाजी भी हुई। ये बहुत आज शुभ अवसर है, भगवान दत्तात्रेय जी का जयंती हम मना रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मपुरी के मंदिर में उनका। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, मराठा शासन काल में इसे बनाया गया था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और यहाँ जो खास करके महाराष्ट्र के लोग जो रहते हैं, दत्तात्रेय भगवान को खूब अच्छी तरह मानते हैं, सभी लोग आते हैं आने को, लेकिन उसके कारण आज यज्ञ हवन वगैरह हुआ जयंती के कारण। और 6 बजे इनका ध्वज वगैरह जो चढ़ना है मंदिर के ऊपर में, उसके लिए यहाँ मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं आया हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में मुझे को ध्वज चढ़ाने का अवसर मिलेगा, मुझे बहुत ही आनंद का महसूस हो रहा है। भगवान दत्तात्रेय का ये प्राचीन मंदिर है छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र दत्तात्रेय भगवान का ये मंदिर है। अति प्राचीन है, कलचुरी शासन काल से इसका इतिहास है। और अभी वर्तमान में 26 तारीख से ये उत्सव शुरू हुआ है, जो आज जयंती के साथ, कल भंडारे के साथ, परसों गोपाल काला के साथ संपन्न होगा। लगभग 10,000 लोगों का भंडारे में आने की व्यवस्था है। और अभी सामने हॉल में जो है वो स्वामी समर्थ के भक्तगण भी आए हुए हैं। रोज़ गुरु चरित्र का पठन होता है श्री सुबोध पंडित जी के द्वारा, और 26 तारीख से लगातार भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलते आ रहा है। महोत्सव भगवान का मनाया गया और बहुत ढेर सारी आतिशबाजी हुई। इसके अलावा बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अभी हुए हैं और फैंसी ड्रेस वगैरह है, मतलब काफ़ी भव्य यहाँ आयोजन होता है। कल भी 10,000 लोगों का यहाँ पे भोजन का प्रबंध किया गया है, प्रसादी का। और इसके अलावा बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और दर्शन करके लाभ प्राप्त करते हैं। Thank you.